हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल प्रियास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनो स्टाइल पिज़्ज़ा, जो कि घर में बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा कप गुनगुना पानी लिया है, एक चम्मच शक्कर डाला है छोटा, आधा चम्मच मैदा डाला है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पर 2 छोटे चम्मच यीस्ट डालेंगे, ड्राई इंस्टेंट यीस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए, इसमें अच्छे से झाग बन चुकी है। अब हम इसके अंदर मैदा डाल सकते हैं। अगर आपकी इस तरह से झाग न बने तो आप उसमें मैदा मत डालिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसे हम अच्छे से डाल देंगे। आधा चम्मच नमक लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसा नरम डो बना लेंगे। हमें कड़ा डो बिल्कुल नहीं बनाना है। अब हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे इस तरह से नीट कर लेंगे और हल्का सा तेल इसके ऊपर लगा के एक लोई की तरह इसे बनाकर हम एक एयर टाइट डब्बे में इसे कम से कम 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1.5 घंटा हो चुका है, देखिए ये फूल कर कितना बड़ा हो गया है। अब इसकी हवा हम निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर हम थोड़ा सा अच्छे से नीट कर लेंगे। अब ये अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके 2 गोले बना लेंगे और इससे हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। एक हिस्सा लेके मैं इस तरह से बेल रही हूँ। हम थोड़ा सा इसमें मैदा छिड़क कर भी अच्छे से बेल सकते हैं। अब जितनी साइज़ का हमें पिज़्ज़ा चाहिए उतना हमने बना लिया है। अब हम फोक लेकर उसे चारों तरफ से अच्छे से प्रिक कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा पिज़्ज़ा जब हम बेक करेंगे तो फूलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा मार्केट स्टाइल बनेगा। अब जो हमारी ट्रे है, बेकिंग ट्रे, उसके ऊपर मैंने सूखा मैदा छिड़क लिया है और इस हमारे चपाती को हम इसके अंदर रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप, शेजवान चटनी और ऑरिगेनो डालकर भी मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, अमूल कंपनी की, आप कोई भी ले सकते हैं। और हम इसे अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। देखिए, हमने अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी मनचाही वेजिटेबल्स रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑलिव मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन, स्वीट कॉर्न, ये सब लिया है। इन्हें आप अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन वेजिटेबल्स को लंबा और पतला काट सकते हैं, या आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। बस इसे हमें सजाना है और सजाना हर एक को बहुत पसंद होता है, खास करके वेजिटेबल्स को जब हम पिज़्ज़ा में सजाते हैं। Don't you think we're done? Knew that it was true from the way you look.
अब सारी सब्जियां हमने डाल दी हैं, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ और डालेंगे जिससे ये बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसके साइड्स में थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ जिससे इसमें बहुत अच्छा एक कलर आ जाएगा बेकिंग के टाइम पर। अब मैंने इसे 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसे 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। अब ये 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं, अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म में ही हमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालना है जिससे कि ये पूरा पिज़्ज़ा में इसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा एब्जॉर्व हो जाएगा। आप इसे पिज़्ज़ा कटर या किसी भी छुरी से भी काट सकते हैं। आई होप गाइज ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। गाइज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।